हेलो स्टूडेंट, तो आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का लेसन नंबर 7। और लेसन नंबर 7 है हमारा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके, सब बच्चे अपनी अपनी बुक जो है ओपन करके रखें और साथ में जो मैं बोल रहा हूँ उसको सुनते जाएं। ओके, जिससे कि आप लोगों को लेसन को समझने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो लेसन नंबर 7 के हमारा मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट, मींस मतलब ये होता है कि जैसे हमें जो व्हीकल्स जो है हमें एक प्लेस से दूसरी प्लेस के लिए जाने में हेल्प करते हैं, या सामान पहुंचाने के लिए जो व्हीकल लगते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। ठीक है, सामानों को पहुंचाने के लिए। तो व्हीकल विच वी यूज टू गो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ओके, आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसे मतलब ये कि जैसे हम खुद भी अगर एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जा रहे हैं या सामान को पहुँचा रहे हैं तो भी क्या मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जिसके माध्यम से हम जा रहे हैं, जिसके थ्रू हम जा रहे हैं। अगर हम टू व्हीलर बैठ के जा रहे हैं तो टू व्हीलर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया, है ना। अगर हम कार में जा रहे हैं तो कार हमारे लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गई, है ना। अगर हम बस में जा रहे हैं तो बस हमारे लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गई। अगर हवाई जहाज में जा रहे हैं तो हवाई जहाज हमारे लिए मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हो गया। तो हम जिसमें भी बैठ कर जाते हैं वो सब हमारे लिए क्या होते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। ओके, देयर आर मैनी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट दे कैन बी डिवाइडेड इंटू द थ्री ग्रुप। मतलब जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो होते हैं उसको कितने ग्रुप में बांटा गया है, थ्री ग्रुप में बांटा गया है। तो पहला होता है लैंड ट्रांसपोर्ट। लैंड ट्रांसपोर्ट मतलब जो ज़मीन पे चलते हैं, जैसे ट्रेन, बस, कार, बाइसिकल, है ना। तो ये सब क्या हो गए आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कौन सा वाला, लैंड ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में होता है वाटर ट्रांसपोर्ट। वाटर ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सी बोट ये चलते हैं, है ना। बड़ी बड़ी शीप देखिए, अपनी शीप होती है, ये सब कहाँ चलती है, वाटर में। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर ट्रांसपोर्ट। उसके बाद में नेक्स्ट होता है एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट में क्या होगा आपका, हवाई जहाज। सब बच्चों ने देखा ना हवाई जहाज, जो हवा में उड़ता, ऊपर उड़ता है आपके स्काई में, आकाश में, हम देख के खुश होते हैं ना कि देखो हवाई जहाज जा रहा है, ऊपर हवाई जा रहा है। तो उसके माध्यम से भी हम जैसे कहीं एक प्लेस दूसरे प्लेस तक जाना या सामान पहुँचाना तो वो क्या कहलाता है आपका, एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, चले अब हम पढ़ते हैं लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, समझे लैंड ट्रांसपोर्ट। सही, बच्चों ने अपनी अपनी बुक ओपन करके रखी भी है ना। चले तो मींस ट्रांसपोर्ट की बात करें, लैंड ट्रांसपोर्ट की बात करें तो लैंड ट्रांसपोर्ट क्या होता है, देखें तो लैंड ट्रांसपोर्ट द मींस थ्रू विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर प्लेस, ओके, आर कॉल्ड लैंड ट्रांसपोर्ट। ठीक है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक अगर जाने के लिए हम जो यूज़ कर रहे हैं, ओके, बाय रोड, बाय रोड, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लैंड ट्रांसपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, साइकिल है, रिक्शा है, टांगा है, कार है, बस है, ट्रेन है, तो ये सारी चीज़ें क्या हमारी हमारी क्या है, सारी चीज़ें ये हमारी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, जो कहाँ चलती है, रोड पे चलती है। ठीक है, उसके बाद में अब हम बात करते हैं गाय की वाटर ट्रांसपोर्ट की। तो वाटर ट्रांसपोर्ट क्या होता है बच्चों, देखो द मेन्स थ्रू विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर अनादर इन वाटर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मतलब ये है कि अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक जा रहे हैं, है ना, ऑन द वाटर, ऑन वाटर या इन वाटर मतलब पानी के ऊपर चल रहे हैं किसी चीज़ के माध्यम से, गाड़ी जैसे, तो कोई शिप दिख रही है आपको, ये शिप की हेल्प से अगर जा रहे हो तो ये क्या हो गया आपका, वाटर ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद में आता है आपका थर्ड एयर ट्रांसपोर्ट। तो एयर ट्रांसपोर्ट क्या होता है बच्चों, एयर ट्रांसपोर्ट मतलब ये कि मीन्स थ्रू द विच कैन बी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन एयर आर कॉल्ड मीन्स ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, अगर हम एक प्लेस से दूसरे प्लेस हम एयर में जा रहे हैं ना, उसके लिए जिस व्हीकल का यूज़ कर रहे हैं हम लोग, वो व्हीकल क्या हमारा हवाई जहाज है, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा एयर ट्रांसपोर्ट कहलाएगा। ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को हवाई जहाज, देखो ये रहा, ठीक है, आप सभी लोगों ने देखा ना ये हवाई जहाज, किन देखा है, देखा सबने देखा, कितना बढ़िया दिखता है ना, हम लोग हम देखते हैं, कुछ होते ही नहीं होते हैं, आप लोग होते हैं ना, आपको अच्छा लगता है देखना हवाई जहाज। चले तो अब इसके बाद में जो नेक्स्ट आता है हमारा,